हमारे MLA इम्तियाज जलील साहब खास MP है, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो हमारे जो मसला है उस पर गौर खोज करें। और घर के अखराज चलना बहुत मुश्किल हो गए हैं, हालात बहुत खराब चल रहे, बच्चों की तबीयत है, महंगाई है, ऐसी हमारी सुखी रही तक तो 4 बार तक गुजर चुकी है कि जिसमें हम बच्चों को खुशी खुशी ईद नहीं मना पा रहे। दवाओं का खर्च है, स्कूल में आने जाने का पेट्रोल है, हर चीज की जरूरत थी, हमको पैसे चाहिए, पेमेंट चाहिए जो हमारा हक है, हमको नहीं मिल रहा है। हमारे MLA इम्तियाज जलील साहब खास MP है, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो हमारे जो मसला है उस पर गौर खोज करें। और विक्रम काड़े साहब है, इनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी हमारे उस काम में पहल करें। और इसके अलावा जो जो अधिकारी है, दोषी है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद से 4 साल से हमारी पेमेंट बंद है और डायरेक्ट हमारा अप्रूवल रद्द कर दिया गया। तो अब उसकी वजह है तो हमको खुद भी नहीं मालूम, कभी बोलते आउटवर्ड नंबर नहीं है, कभी बोलते इनवर्ड नंबर नहीं है। अब जैटी में गए तो वहां पर है तो कुछ 18 दिन का डॉक्यूमेंट गायब है, मस्ट है, तो वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज हम यहाँ पर शिक्षण उप संचालक साबरे सर से मुलाकात की। हम सब अलमदनी उर्दू प्राइमरी स्कूल के सभी है तो टीचर से यहाँ पर आज शिक्षण उप संचालक साबरे सर से मुलाकात की। और हमारा मेन मुद्दा ये था कि हम लोग को है तो 3 साल पेमेंट मिली, 2016 में हमको ग्रांट मिला, फिर उसके बाद से 4 साल से हमारी पेमेंट बंद है और डायरेक्ट हमारा अप्रूवल रद्द कर दिया गया। तो अब उसकी वजह है तो हमको खुद भी नहीं मालूम, कभी बोलते आउटवर्ड नंबर नहीं है, कभी बोलते इनवर्ड नंबर नहीं है। अब जैटी में गए तो वहां पर है तो कुछ 18 दिन का डॉक्यूमेंट गायब है, मस्ट है, तो वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, हम आते हैं, हमारी ड्यूटी करते बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है, हम टीचर सिर्फ हमारी ड्यूटी कर रहे। अब ये जो ऑफिशियल लेवल पे डॉक्यूमेंट्स है तो ये तो अधिकारियों का काम है कि उसको संभाल कर रखना, देखना जो भी है, अब उसका है तो हम थोड़ी रख सकते उसकी भी पूरी जानकारी। अब वो कहाँ गया, किसने गायब किए, जानबूझकर गायब किए या कुछ मिसिंग हो गया, उसका तो हम आपको कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन वो जो 18 दिन के डॉक्यूमेंट्स है उसी के अंदर हम लोग के अप्रूवल्स के है तो इनवाइट नंबर, आउटवाइट नंबर उसी के अंदर है। हमारी पेमेंट अब तकरीबन ये 4th साल है, 2019 से है तो हमारी पेमेंट बंद है, जब फरवरी से। जब 4th साल लग गया और आप इतना लेट आ रहे तो क्या? नहीं तो हमने अब ZP में भी गए, कार्रवाई पूरी तरीके से, हर तरीके से हमने कार्रवाई किया, हर सब ऑफिसर के पास गए, हम ZP में गए, कुछ टीचर्स कोर्ट में भी गए हुए है। अभी क्या बोलना है? अभी सर का ये कहना है कि अब हम ZP में कॉल करते हैं, वहाँ बात करते हैं, उसके बाद आपको है तो निर्णय देते हैं। आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप, अगर नहीं शुरू होती है दोबारा पेमेंट? नहीं, अब हम टीचर्स इतने परेशान हैं कि अब आगे का कदम आप कुछ समझ सकते हैं, हम क्या धरने पे बैठ सकते हैं या ऑपोजिशन पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑल टीचर्स यहाँ पर है तो पेमेंट के बलबूते पर ही है। जो रजिस्टर जो आप बोल रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, वो तो क्या अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग करेंगे? अब वो तो जरूरी है क्योंकि वो जिम्मेदारी अधिकारियों की है जो गलत काम किए, क्योंकि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से निभाए तो किसी को है तो इतनी परेशानी या मुश्किल का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जितना हमने उनको बोले कि जो 18 दिन के डॉक्यूमेंट्स गायब हुए तो उसके बारे में आप जांच पड़ताल करो कि वो कहाँ गए, कैसे मिसिंग हुए, उनसे पूछिए, उनकी गलतियों की सजा हमको मिली, क्योंकि हमारा काम नहीं है ये ऑफिशियल लेवल पे काम करना, हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है और उनका मुस्तकबिल संवारना है। क्या नाम है आपके स्कूल का और कहाँ? हमारा स्कूल देखिए अलमदनी उर्दू प्राइमरी स्कूल बेरीबाग हरसूल। वहाँ का नाम है और कौन कौन आपके साथ? देखिए हमारा नाम है खान नवीद शहर और यहाँ पर जितने भी असातिज़ा टीचर्स मौजूद है तो उसमें से नाजिया मिस, नौशीन मिस, शाइस्ता मिस, फौजिया मिस, अजरा मिस, यास्मीन मिस, आसिफा मिस, उज़्मा मिस, फिरदौस मिस, ये सभी टीचर्स हम, और जो भी टीचर्स जेंट्स टीचर्स है मुबीन सर। तो कितने लगभग कितने टीचरों की पेमेंट अगर पूरे टोटल हमारे 16 टीचर्स है जो 4 साल से बिला नागा हम है तो स्कूल में काम कर रहे हैं।
क्योंकि हमको है तो कुछ भी है तो ना उसका दाना पानी एक दिन का हमको ऐसा कुछ उसका तो अब आप क्या मांग करेंगे पूरे पिछले चार साल की पेमेंट मिलना चाहिए हमारी चलिए पहले डाइनिंग तो पेमेंट स्टार्ट हो जाए हमारी क्योंकि हम हमारे रास्ते से लगी हुई क्योंकि लॉकडाउन था अभी दो साल से क्योंकि सभी परेशान है तो अब आपको सोचिए कि हम लोग कितने परेशान हैं एक तो पेमेंट नहीं है खाना पानी की परेशानी है फिर सबके बच्चे छोटे हैं रमजान का महीना है अब ये चौथी ईद है हमारी जिसमें हमारी पेमेंट नहीं है अब कोर्ट में हमने जो केस किए थे तो कोर्ट में भी ऑर्डर किए थे ऑर्डर दिया था कोर्ट में भी स्टे मिला था हमको कि इनकी पेमेंट रिलीज कर दो लेकिन फिर यहाँ से कुछ तो भी एफिडेविट गया जेडपी से तो फिर है तो वो भी है तो वही के वही ठप हो गया प्रशासन से उम्मीद है आपको न्याय प्रशासन से उम्मीद है हमारे को आप क्योंकि जो बिगाड़ता है वही सुधारता है अब इनका हेड ऑफिस पुणे में है तो क्या पुणे में भी आप जाएंगे हाँ जाएंगे ना हमको हमने लेटर तो वैसा भेज दिया वहाँ पर अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे सब टीचर्स जाएंगे आपका नाम बोल दो खान नवीद शहर जहीर अहमद खान सर जो आपकी नहीं मिल रही है पिछले चार सालों से कैसे घर में गुजर बसर कर रहे हैं बहुत मुश्किल दौर गुजर रहा है हम पिछले 2011 से काम कर रहे हैं स्कूल में 2016 में हमको ग्रांट मंजूर हुआ दो से तीन साल पेमेंट मिली उसके बाद बंद हो गई घर के अखराजात चलना बहुत मुश्किल हो गए हैं हालात बहुत खराब चल रहे बच्चों की तबीयत है महंगाई है ऐसी हमारी सूखी रही तक चार बार तक गुजर चुकी है कि जिसमें बच्चों को खुशी खुशी ईद नहीं मना पा रहे दवाओं का खर्च है स्कूल में आने जाने का पेट्रोल है हर चीज की जरूरत के लिए हमको पैसे चाहिए पेमेंट चाहिए जो हमारा हक है हमको नहीं मिल रहा है अभी क्या बोलना है अभी हम सभी का यही बोलना है कि मैं एक नहीं हूँ यहाँ पे हम 16 लोग काम कर रहे हैं सबके घर के हालात ऐसे ही है तमाम हम संगठन वालों से यही उम्मीद करते हैं कि माइनॉरिटी की कि हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए हमारे मसले में हल करने की कोशिश कीजिए और जो हम हमारे MLA इम्तियाज जलील साहब खास MP है उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो हमारे जो मसला है उस पर गौर खोज करे और विक्रम काड़े साहब है इनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी हमारे उस काम में पहल करे और इसके अलावा जो जो अधिकारी है दोषी है उन पर भी कार्रवाई की जाए जैसे कि वहाँ के क्लर्क है ZP के शिक्षण अधिकारी है बोलते कि उनकी सिग्नेचर नहीं है कोई दूसरे शिक्षण अधिकारी के सिग्नेचर है हमारे अप्रूवल पर तो हम तो ये लिख नहीं सकते ना कि किस कौन सिग्नेचर कर रहा है कौन कहाँ रख रहा है कागजात हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना लिखाना है हम आज 2011 से काम करते आ रहे हैं फिर भी 20% 40% पे ही अभी तक 40% अब मिला है फिर भी हम लोगों को अभी तक हमारा 20% का ही पेमेंट नहीं मिल रहा 60-40 तो बात की ही बात है आगे का कदम क्या है आपका आगे का कदम हमारा यही कि हम सब बहुत अब परेशान हो चुके हैं अब हम हो सकता है आगे धरने भी बैठ सकते हैं भूख हड़ताल ओपोषण भी कर सकते हैं तो हम यही उम्मीद अपील करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ साथ दे हमारा नाम शेख नाजी अंजुम है